मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चैप्टर नंबर 4, डिवीजन। टुडेज आवर टॉपिक इज डिवीजन बाय टू डिजिट डिवाइजर। इन लास्ट वीडियो हाउ टू डू डिवीजन विथ टू डिजिट डिवाइजर। सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज 513 डिवाइडेड बाय 45। सो let's start with our video. Okay, so here I have one example is 513 divided by 45. So tell me children, what is our first step? We have to do round up these two number. Okay, for why? Because we want to know our estimated quotient. So I round up this number to the nearest 100 and I round up this number to nearest 10. Okay children, so this number is round of nearest 100 is become 500. Why? Because we have to check on the tens place and there is a 1, and 1 is always less than 5. So we have to do round down this number to the nearest 100, and that is 500. And this number is round out to nearest 10 and become 50. Why? Because there is a 5, and 5 is always, if we have 5, so what we have to do children, we have to do round up to this number. So now cancel 1 0, right? Now do division, right children? 50 divided by 5. 5 ones are 5, 5 minus 5 0, and here 0 because there is a 0, right? So our estimated quotient is 10. अभी जो भी हमारा आंसर होगा वो 10 होगा या 10 से बड़ा होगा, 10 से कम नहीं होगा. ओके, नाउ 513 डिवाइडेड बाय 45, लेट्स चेक. ओके, सो 45 के टेबल में 51 आते कभी भी नहीं आते, तो 45 क्योंकि 45 51 से छोटा नंबर है, राइट चिल्ड्रन? नाउ डू सब्ट्रैक्शन. 1 में से 5 माइनस होगा नहीं, तो क्या करेंगे, 11, और यहाँ पे हो जाएगा 4, राइट? 11 माइनस 5 इज 6 एंड 4 माइनस 4 इज 0, ऊपर से आया 3, राइट चिल्ड्रन? 45 कम है 63 से, तो हम वो नंबर ले सकते, ठीक है? 1 1, 45 ones are 45. Now what subtract करो, 13 minus, and यहाँ पर बन जाएगा 5. 13 minus 5 is 8. 5 minus 4 is 1. So our actual question is, our actual question मतलब जो हमारा exact question है वो है 11. हमारा reminder है वो क्या है, 18. और जो हमारा estimated question क्या था, 10. तो हमने देखा हमारा जो एस्टिमेटेड क्वेश्चन था उससे हमारा एक नंबर ज़्यादा हुआ हमारा एक्चुअल क्वेश्चन. ओके चिल्ड्रन, सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व टू डिजिट डिवाइजर, डिवीजन बाय टू डिजिट डिवाइजर. लेट्स मूव टू दी अनदर एग्जांपल. आवर सेकंड एग्जांपल इज 952 डिवाइडेड बाय 82. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज राउंड ऑफ दिस टू नंबर. This number, round off this number to the nearest 100 and round off this number to the nearest 10. You can also do round off this number to the nearest 10. But I prefer round off this number to the nearest 100. Okay children, so round off this number nearest to 100, it will become 1000. Why? Because, why children? Because there is a 5. So what we have to do? We have to do round up. And 82 is become 80. Because there is a 2 and we have to do round off, round down. Also 82 becomes 80. Now cancel 1 0. Right. Now do 100 divided by 8. 8 ke table mein 100 kab aate? 8 ones are 8. Right children. 10 minus 8 is become, it's 2. And upar se aaya 0. 8 के टेबल में 20 आते हैं चिल्ड्रन, 8 3 जा 24,
एट टू जा 16, तो हम 16 ले सकते हैं क्योंकि वो 20 से छोटा है। हमें बड़ा नहीं लेना, 20 से बड़ा नंबर नहीं लेना, 20 से जो छोटा होगा वो लेंगे, ठीक है। नियरेस्ट नंबर लेंगे, 20 से जो ज़्यादा नियरेस्ट होगा वो नंबर लेंगे, ठीक है। नाउ 20 माइनस 16 इज 4, 10 माइनस 6 4, 1 माइनस 1 इज 0। सो आवर एस्टिमेटेड क्वेश्चन इज 12। अभी जो हमारा आंसर होगा वो तो या 12 होगा या 12 से बड़ा होगा, ठीक है चिल्ड्रन। सो लेट्स मूव टू दी 952 डिवाइडेड बाय 82, ओके। सो हियर 952 डिवाइडेड बाय 82, ओके। नाउ 82 के टेबल में 95 आएंगे, नहीं आएंगे, पर 82 वंजार 82 वो तो हम ले सकते हैं, ठीक है। नाउ डू सब्ट्रैक्शन, 5 माइनस 2 इज 3, 9 माइनस 8 इज 1। अभी 82 के टेबल में 13 पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 13 इज अ स्मॉल नंबर, वो 82 के टेबल में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर से हम लाएंगे 2 को नीचे। अभी 82 के टेबल में 132 आता है, नहीं पता, तो लेट्स चेक इट। 82 क्रॉस 2 करो, 82 का टेबल तो हमें नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करेंगे और सिंपली एडिशन करेंगे। 2 टू ज़ा 4, 2 एट ज़ा 16, 164 इज़ बिगर नंबर देन 132, वो नंबर हम नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, 82, ओके चिल्ड्रन। सो 2 माइनस 2 इज 0, यहाँ पे आएगा 13 और यहाँ पे आएगा 0, बिकॉज हमने वहाँ से एक नंबर ले लिया। 13 माइनस 8 इज 50। सो आवर एक्चुअल क्वेश्चन इज 11 एंड आवर रिमाइंडर इज 50। चिल्ड्रन आपको पता है हमारा जो एस्टिमेटेड क्वेश्चन आया था ना वो 12 था, पर हमारा एक्चुअल क्वेश्चन 11 आया, वो कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमने 952 को नियरेस्ट 100 किया था। क्या किया था, 952 को नियरेस्ट 100। इफ वी टेक 952 टू नियरेस्ट 10, तो हमारा आंसर क्या आ जाता, सी वेट चिल्ड्रन, इफ अगर मैं 952 को नियरेस्ट 10 करती हूँ, 952 को नियरेस्ट 10 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 950, राइट चिल्ड्रन, और 80, राइट, 00 कैंसल। अभी 95 डिवाइडेड बाय 8, 8 वन ज़ा 8, 9 ज़ा 8, राइट। फिफ्टीन माइनस 8 इज 7, 0। सो एज यू कैन सी हियर चिल्ड्रन, हमें 952 को नियर